अस्सलामुअलैकुम अखिल भाई, उम्मीद है आप ठीक होंगे। आपको और रुमाना बहन को थोड़ी सी जहमत देनी थी। मेरी एक छोटी सी ड्रीम है, उसकी इंटरप्रिटेशन करवा दीजिए। आज सुबह 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 अर्ली मॉर्निंग मैंने देखा, मुझे पूरी ड्रीम जैसे बाकी तो याद नहीं, लेकिन जो मेन एक पार्ट उसका जो बहुत क्लियरली मुझे याद है, उसमें ये कि मैं एक रूम में हूँ, बहुत बड़ा सा कमरा है और जो है नया मॉडर्न सा जैसे रूम है, और उसमें खिड़कियां हैं जो मुझे नजर आ रही हैं, और मुझे ऐसे लगता है कि जैसे सामने की तरफ कोई मेरे जैसे फैमिली के लोग भी बैठे, लेकिन वो ऐसे बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है नजर आ रहे हैं कि कोई दूर लोग बैठे हुए हैं। और मुझे ये ख्याल है, मैं अपने आप को देख नहीं, मतलब एज सच एज इन पर्सन नहीं देख रही हूँ, लेकिन मैं देख रही हूँ जैसे पीछे हूँ और मुझे ये सब नजर आ रहा है सीन, तो मैं देखती हूँ। मुझे ये ख्याल है कि मैं जैसे कोई कमरे में पीछे बेड है कोई बहुत बड़ा, उस पर बैठी और सामने ये मेरे सब सीन है। और फिर जो खास बात है वो ये कि मुझे जो ड्रीम के अंदर बहुत ज्यादा जूम करती है कि मैं देखती हूँ कि खिड़कियों के ऊपर कर्टन्स लगे हुए हैं, चादरें सी जैसे पड़ी हैं, कर्टन्स लगे हुए हैं, और मैं फिर एकदम मुझे ये एहसास होता है कि जैसे कर्टन तो बड़े बोसीदा से और पुराने से हैं, और फिर जेन में सोच रही हूँ कि नहीं, इनको तो मुझे बदलना चाहिए, चेंज कर लेना चाहिए। फिर मैं देखती हूँ, बहुत गौर से देखती हूँ, तो सामने वाली खिड़की है उसके ऊपर व्हाइट से कलर का जैसे मलमल या लॉन या इस तरह का कुछ जैसे मटेरियल होता है, और उसके ऊपर छोटे छोटे फूल बने हैं। लेकिन फिर मैं देखती हूँ कि मैं ये कितना पुराना सा और कितना बसीदा सा है, इसको मुझे चेंज करना चाहिए। फिर मैं देखती हूँ कि अच्छा, दूसरी तरफ खिड़की है, इसके ऊपर वो जैसे सनब्लॉक वाले पीछे स्क्रीन कर्टन मोटे वाले लगे हुए होते हैं, लेकिन वो भी मैं फिर देखती हूँ तो ख्याल आता ये भी बहुत ज्यादा पुराने हैं, इनको भी जो है चेंज करना चाहिए। तो ये कर्टन चेंज करना चाहिए, जो बुरा ख्वाब है। आप देख रहे हैं नू टीवी जद्दा, और मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट मोहम्मद आकिल, जद्दा से मुमलकत सऊदी अरब। बहुत शुक्रिया आपका चैनल को सपोर्ट करने का। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे इस काम में आसानियां फरमाता है। आप सपोर्टर्स हैं चैनल की। मैंने आपका ख्वाब भेजा रोमाना के पास, जो ताबीर उन्होंने बयान की है, आइए हम सब मिलकर सुनते हैं। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الله سبحانه وتعالى خوابي خير بركات و خوشی و سلامتی. آمین رب العالمين. سائلہ نے خواب میں بڑا کمرہ، کھڑکی اور پردے کا ذکر کیا ہے. دیکھیں بڑا کمرہ کسی حوالے سے کشادگی کی علامت ہو سکتا ہے. جہاں تک کھڑکی کا تعلق ہے، وہ عموماً گھر کے باہر کا نظارہ اور گھر میں تازی ہوا کا تصور لاتی ہے، جبکہ پردہ کھڑکی کے ذریعے آنے والی تازی ہوا کو روکنے और मंजर को छुपाने का सबब होता है। मुमकिन इस ख्वाब में बड़े कमरे से मुराद साहिला की सोच का अंदाज, जबकि खिड़की से मुराद इनकी सोच में आने वाले उन ख्यालात या अंदेशों की तरफ इशारा हो सकता है जिनसे गुजरती रही हो या गुजर रही हो और उनको छुपाना चाहती हो। मुमकिन है इनके घर में कोई ताजा खुशी या खुशहाली का मामला हुआ हो या होने का इम्कान हो, जिसको ये राजदारी में रखना चाहती हो ताकि नजरबंद से महफूज रहा जाए। किसी किस्म के खुशगवार मामले के हवाले से इनसिक्योरिटीज का मामला महसूस हो रहा है, जिसकी वजह से इनको खुदा न खास्ता मामूली तौर पर ही सही, लेकिन वक्ती हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, लिहाजा सेहत पर खास तवज्जो दें। चूंकि इन्होंने ख्वाब में वाइट कर्टन्स देखे, ये मंजर इनके लिए बेहतरी, हिफाजत और सुकून की अलामत हो सकता है। इंशाल्लाह मुमकिन है किसी पुराने राजदार, मुखलिस दोस्त या नेक रिश्तेदार की तरफ से इनको खैर के हवाले से रहनुमाई, भलाई और सुकून मिले इंशाल्लाह। इन्होंने ख्वाब में पर्दे के रॉड और वाइट रंग का सी थ्रू कर्टन का जिक्र किया है। देखिए कर्टन रॉड ऐसी चीज होती है जो पर्दों को लटकाने में मददगार साबित होती है। यहाँ वाइट सी थ्रू कर्टन से मुराद ऐसा मामला महसूस हो रहा है जो बिल्कुल वाज़ेह और शफाफ है, लेकिन उसको किसी वजह के तहत लटकाया गया है या तूल देने का अंदेशा है, लिहाजा इस तरफ तवज्जो दी जाए। मुमकिन है खानदान, बच्चों या माली लिहाज से कोई फैसला या कोई कदम उठाना हो, लेकिन ये इनसिक्योर हो रही हो। चूंकि ख्वाब में वाइट कर्टन्स को इन्होंने कमरे में डिवाइडर के तौर पर इस्तेमाल करते हुए देखा या उसका जिक्र किया है, मुमकिन है यहाँ कमरे से मुराद साहिला और वाइट कर्टन से मुराद इनकी नेक औलाद हो। अगर इनकी एक से ज्यादा औलाद हैं, तो डिवाइडर से मुराद ऐसी सिचुएशन हो सकती है
जब खुदा ना खास्ता किसी औलाद या रिश्तेदार के हवाले से वक्ती फिक्र आ जाती हो, जिसको ये अपनी नेक औलाद से पर्दे में राजदारी के साथ शेयर करती हो या करती रही हो। ख्वाब में वाइट कर्टन्स माँ को सुकून देने वाली औलाद की अलामत भी हो सकते हैं। अल्लाह सुब्हान तआला खुसूसी हिफाजत फरमाए, आमीन। इन्होंने ख्वाब में खाला को यंग और खूबसूरत देखा है। देखिए खाला माँ की तरह होती है, यहाँ खाला से मुराद मुमकिन है इनका अपना मदरहुड हो, यानी इनको अपनी औलाद की तरफ से ऐसी खुशी और मजबूती मिलने की अलामत हो जो इनके लिए अपनी हम उम्र ख़वातीन में काबिल रश्क बनने का जरिया बनी हो, यानी इनकी औलाद इनके साथ इतनी अच्छी साबित हुई हो कि अपने हम उम्र ख़वातीन में काबिल रश्क हों। इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हान तआला इनको हासिदों के हसद से महफूज रखे, आमीन या रब्बुल आलमीन। आमीन। देखिए जब ये किसी मामले में कोई फैसला करना चाहें तो इनको चाहिए कि इस्तखारा करें, यानी नमाज पढ़ें और दुआ इस्तखारा का एहतमाम करें और अपने से करीब मुखलिस समझदार और तजुर्बेकार लोगों से मशवरा ज़रूर लें और मशवरा लेने के बाद कदम उठाएं। इंशाअल्लाह बहुत खैर नसीब होगी इंशाअल्लाह। लेकिन इनको ये चाहिए कि अपने अजायम को हर किसी के सामने जाहिर ना करें, अपने इरादे सब लोगों को बताने से परहेज करें। ख्वाब में वाइट कर्टन्स इनके कामों के बखूबी अंजाम होने की खुशखबरी की अलामत हैं। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह ये अपनी सेहत पर खास तवज्जो दें, नमाज की पाबंदी और सदकात में इजाफा करें और इस्तग़फार का एहतमाम बढ़ाती जाएं। बहुत बरकतें और खुशियां नसीब होंगी इंशाअल्लाह। अल्लाह सुब्हान तआला ख्वाब की खैर बरकत और खुशियों से इनको मालामाल करे, आमीन या रब्बुल आलमीन। वल्लाहु आलम। बहुत शुक्रिया रोमाना, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। आप हमारे वीवर्स के ख्वाबों की ताबीर बयान करती हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी ज़िंदगियों को ज़िंदगियों में खुशियों का इजाफा फरमाए और आपके बच्चों को आपकी आंखों की ठंडक बनाए रखे। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا